दैनिक दबंग दुनिया ने अपने मुख्य पृष्ठ पर इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के टिकटों को लेकर हुई गड़बड़ी की खबर में लिखा है कि बुक माई शो ने स्पष्टीकरण दिया है कि 10 अक्टूबर को तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय से पहले टिकट बुक हो गए थे। अखबार ने लिखा है कि टिकटों में गड़बड़ी का पता MPCA और बुक माई शो को पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया। ब्लैकमेलर पीयूष जैन को जेल भेजने की खबर भी अखबार के पहले पन्ने पर है। अखबार ने लिखा है कि पीयूष जैन की जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया है। शहडोल के चंगेरा गांव की खिरहनी बस्ती में मीथेन गैस के कुएं में ड्रिल करते समय हुए विस्फोट होने की खबर अखबार के राज्य पेज पर है। खबर के मुताबिक विस्फोट के बाद कुएं के पानी के साथ आग के गोले बरसने लगे और घरों की दीवारें दरक गई। इसकी चपेट में करीब 40 ग्रामीण आ गए। रायपुर में स्वाइन फ्लू के कारण सांसद चंदूलाल साहू के पुत्र राजू साहू के निधन होने की खबर भी अखबार के इसी पेज पर है। खबर के मुताबिक स्वाइन फ्लू के कारण प्रदेश में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पेटलावत ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र कांसवा के परिवार और कुछ रिश्तेदारों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कराने की खबर भी अखबार के इसी पेज पर है। मामले की जांच कर रही SIT ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान में रह रही भारतीय मूल की मूकबधिर भारतीय युवती गीता के जल्द घर लौटने की खबर भी अखबार के देश विदेश पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है।